हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रेखा एंड वेलकम टू माय चैनल इंफो टीचिंग, जिसमें आपको ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग जॉब्स के लिए कंटेंट प्रोवाइड होता है और आगे भी होता रहेगा। सो आज की वीडियो स्पेशली मैंने सीटेट पेपर 2 एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड और टीजीटी के स्पेशली सब्जेक्ट, यानी कि सबसे टफ सब्जेक्ट जिसे माना गया है, सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, जो काफ़ी एसेंशियल है आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो आइए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और ये वीडियो का हमारा पहला पार्ट है और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आप सभी के सामने है और पहले पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज द दीवानी रिवेन्यू फ्रॉम बंगाल प्रीमियरली इन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल में दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। ऑप्शन है आप सभी के पास, परचेजिंग कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। सेकंड ऑप्शन है अमेजिंग स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू रिप्लेनिश स्कूल द डिवाइनिंग स्टॉक्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में इनके श्रीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस एंड रोड्स, पुल और सड़कें बनाने के लिए। लास्ट वन इज बिल्डिंग स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दीवानी राजस्व का उपयोग किया था वो किसके लिए किया था, बिल्डिंग स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप अ फैक्ट्री इन बंगाल ऑन द बैंक ऑफ हुगली इन 1651-2, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। अब ये बात बतानी है कि वो क्यों की थी, उसका कारण बताना है, उसकी वजह बतानी है। ऑप्शन है आप सभी के सामने, फर्स्ट ऑप्शन मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल फॉर एक्सपोर्टिंग टू इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। सेकेंड ऑप्शन है बाय स्पीसीज फॉर सेंडिंग टू इंग्लैंड, यानी कि मसालों को खरीदने उन्हें इंग्लैंड में भेजने के लिए। थर्ड ऑप्शन है बाय इंडिगो फ्रॉम लोकल फार्मर टू सेंड इट इंग्लैंड, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन इज एस्टैब्लिश अ बेस फ्रॉम विच द फैक्टर कुड ऑपरेट, एक आधार यानी कि एक बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्टर अपना काम चला सके। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने क्यों स्थापित की थी उस फैक्ट्री को, इसलिए स्थापित किया था बाय इंडिगो फ्रॉम लोकल फार्मर टू सेंड इट टू इंग्लैंड, अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड में इंडिगो यानी कि नील को भेजने के लिए, नील की खेती करके उसको खरीद कर इंग्लैंड में भेजने के लिए उन्होंने हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द 9th century, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। ऑप्शन है आप सभी के सामने, यज्ञवेदी यानी कि यज्ञवेदी सीट टू परफॉर्म सैक्रेड इनकैंटेशन, यानी कि पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, यज्ञवेदी एक जगह होती है जहां पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है हवन कुंड, स्क्वायर पिरामिड शेप्ड पॉट विथ ओपन माउथ टू होल्ड फ्री, यानी कि हवन कुंड वर्ग पिरामिडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। थर्ड ऑप्शन है डेकोरेटिव गेटवे यानी कि द्वार, सजावटी द्वार। एंड लास्ट वन इज रंगशाला, प्लेस टू परफॉर्म डांस, एक रंगशाला जो जगह होती है जहाँ पर नृत्य किया जाता है, जहाँ पर डांस किया जाता है उस जगह पर। तो इस जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डेकोरेट गेटवे यानी कि जो द्वार है उस सजावटी द्वार के लिए नौवीं यानी कि 9वीं शताब्दी के मंदिर का स्थापत्य कला का हिस्सा माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पित्रिया ड्यूरा वाज ए, यानी कि पित्रिया ड्यूरा कौन था, कौन थी, ये चीज़ बतानी है। ऑप्शन है आप सभी के सामने, स्टाइल टू डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग, भवनों को सजाने की एक शैली थी यानी कि एक कला थी। सेकंड ऑप्शन है रोल ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकारी की भूमिका। थर्ड ऑप्शन है ग्रीक गॉड, यूनानी देवता थे। या लास्ट वन इस मेटलर की टेक्नोलॉजी यानी कि धातु की तकनीक, एक तकनीक यानी एक टेक्निक थी, क्या थी वो चीज़, यानी कि पित्रिया ड्यूरा क्या था। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, रोल ऑफ सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकारी की एक भूमिका थी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इम्पीच्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, यानी कि इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी को पद से हटाना, तो ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये जो रूल था किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट है चार्ल्स क्लाइव, सेकेंड ऑप्शन है वैरन हेस्टिंग, थर्ड ऑप्शन है टीवी मैकाले, एंड लास्ट वन इज कॉर्नवॉलिस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। वैरन हस्टिंग ने एक शासन चलाया था, एक रूल चलाया था जिसमें महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के रूल को लागू किया गया था, यानी कि पद से हटाना, किसी भी इंसान को किसी के ओहदे से हटाना और उस ओहदे की जगह किसी और को नियुक्त करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ किंगडम्स वॉज एंगेज्ड इन त्रिपार्टी स्ट्रगल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। ऑप्शन आप सभी के सामने, फर्स्ट है चोल राष्ट्रकूट या पाल, सेकंड ऑप्शन है पाल पल्लव या राष्ट्रकूट, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रकूट पल या गुर्जर प्रतिहारा, एंड लास्ट वन इज पाल चोल या गुर्जर प्रतिहार। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रकूट पल या गुर्जर प्रतिहार एक ऐसा त्रिविभाजन था जो एक राज्य में शामिल था संघर्ष करने के लिए, ये तीनों का एक जुट बोल सकते हैं, तो वो ये तीनों का एक जुट था जो किसी भी राज्य में किसी भी शासन में संघर्ष करने के काम आता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेस्ट अ लेगिलेशन कॉल्ड द कैलिको एक्ट ऑफ, यानी कि ना 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम का पारित किया था या उसको पारित किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने, क्यों किया गया था, बैन द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों यानी कि जो छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है पनिश रेबल फ्रॉम कैलिकट यानी कि कैलिकट के विद्रोह को दंड देने के लिए, थर्ड ऑप्शन है प्रमोट कैलिको इंडस्ट्री इन इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड में कैलिको यानी कि जो सूती कपड़ा था उसके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, एंड लास्ट वन इज प्रोड्यूस कैलिको टेक्सटाइल इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में कैलिको यानी कि सूती कपड़ों के उत्पादन को करने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बैन द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल सीन्स इन इंग्लैंड, यानी कि उन्होंने क्यों किया था ये सब, कैलिको अधिनियम को पारित क्यों किया था, उसको पास क्यों गया गया था, इंग्लैंड में छापेदार यानी कि जो सूती कपड़े थे उन छींट वाले उनका उपयोग के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए उन्होंने इस अधिनियम को पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, अब क्यों की थी उन्होंने, जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था। ऑप्शन आप सभी के सामने, टू एस्केप फ्रॉम मुगल्स यानी कि मुगलों से बचने के लिए, सेकंड ऑप्शन है टू पनिश साउथर्न रूलर्स यानी कि दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है टू कंट्रोल इस एम्पायर इफेक्टली एज दौलताबाद वाज सेंट्रली लोकेटेड, यानी कि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, एंड लास्ट वन इज एज ही वॉज नॉट गेटिंग इनफ रिवेन्यू फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था इसलिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि टू कंट्रोल इस एम्पायर इफेक्टिवली एज दौलताबाद वॉज सेंट्रली लोकेटेड, उसने ऐसा क्यों किया था, उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अपने राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, केंद्र मतलब कि एक काफ़ी बड़ा केंद्र था जिसके अंदर कई सारे राज्यों को मिलकर यानी कि कई सारे राज्य उसके अंदर एकत्रित थे जमा थे इसलिए उसने ऐसा किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, चेरा 15 रोल्स इन 12th कंट्री इन द एरिया प्रेजेंटली लेइंग, यानी कि अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखिया ने, यानी कि कीरा बोला जाता है, इसे लिखा चीरा जाता है पर इसे कीरा बोला गया है, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखिया ने किस क्षेत्र
पर शासन किया वह वर्तमान में डैश में स्थित है, यानी कि अभी वो कहाँ पर स्थित है। 12वीं शताब्दी के जो कीरा के जो मुखिया थे उन्होंने कहाँ पर कौन सी जगह में शासन किया था और आज वह कौन सी जगह है। ऑप्शन आपके सामने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सेकंड है झारखंड, बिहार, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड लास्ट वन है पंजाब, हरियाणा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, तांती मोमिन एंड देवांग्स कम्युनिटीज वर इंगेज्ड इन, यानी कि जो तंती मोमिन और देवांग समुदाय है वो किस चीज से बिलोंग करते हैं, वो कौन से ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, कौन से कामकाज से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ बतानी है। ऑप्शन आप सभी के सामने, लेदर वर्क चमड़े के काम से, सेकंड है वेविंग यानी कि जो कढ़ाई बुनाई का काम है उससे, थर्ड ऑप्शन है वुड वर्क यानी कि लकड़ी के काम से, एंड लास्ट वन इज पॉटरी मेकिंग या बर्तन बनाने के काम से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि वेविंग यानी कि बुनाई कढ़ाई बुनाई का जो काम है उससे रिलेट करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री यूनिवर्सिटीज वर इस्टेब्लिश इन द ईयर 1857 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में निम्नलिखित में से कौन से तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। ऑप्शन है आप सभी के सामने, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। सेकेंड ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, बनारस। थर्ड ऑप्शन है कलकत्ता, बॉम्बे, पंजाब। एंड लास्ट वन इज कलकत्ता, बॉम्बे एंड दिल्ली। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जो उन्होंने तीन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज जो उन्होंने स्थापित की थी वो है हमारे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ट्राइबल पीपल डू नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ देयर पास्ट, हाउ डू प्रेजेंट दे हिस्टोरियन राइट ट्राइबल हिस्ट्री, यानी कि जो आदिवासी हैं जनजातीय है, लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे रखते हैं। ऑप्शन है आप सभी के सामने, यूजिंग आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पुरातत्वीय स्रोतों का उपयोग करके, सेकंड ऑप्शन है यूजिंग ओरल ट्रेडिशन वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, थर्ड ऑप्शन है यूजिंग नेचुरल ट्रेडिशन प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, एंड लास्ट वन इज यूजिंग ट्राइबल माइथोलॉजीज यानी कि आदिवासी पौराणिक कथाओं का उपयोग करके। सो उसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यूजिंग नेचुरल ट्रेडिशन प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके वो अपने इतिहासकार यानी कि इतिहास को जमा करके एकत्रित करके रखते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विद्रोह क्या था यानी कि विद्रोह वास, अब हमें बताना है कि विद्रोह क्या था या क्या थी, किस चीज़ से रिलेटेड था। एंड फर्स्ट ऑप्शन आप सभी के सामने, एंड इन ले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर डन बाय द आर्टिशियंस ऑफ विदर, यानी कि विदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाव काम। सेकेंड ऑप्शन है टाइप ऑफ सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड इन विदर, विदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार है। थर्ड ऑप्शन है अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड इन विदर, विदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार है। एंड लास्ट वन इज अ टाइप ऑफ कॉपर वेयर प्रोड्यूस्ड इन विदर, यानी कि विदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार है। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा हमारे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड इन विदर, यानी कि विदर में उत्पादित सूती कपड़ों का एक प्रकार है, जो विदर है एक सूती कपड़े का प्रकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू द सिटी मार्केटेज, यानी कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बंजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। ऑप्शन है आप सभी के सामने, पहला है बलबन, सेकेंड है फिरोज शाह तुगलक, थर्ड ऑप्शन है मोहब्बल बिन तुगलक, एंड लास्ट ऑप्शन इज अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक जी ने क्या किया था कि अनाज को शहर के बंजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विच ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू खेल, यानी कि अब इस चीज के अंदर खेल्स के बारे में बताना है, खेल्स क्या होता है वो चीज देखेंगे हम। इसको मैं बताती हूँ, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था। ऑप्शन है आप सभी के सामने, पहला गोंड, सेकंड है होम, थर्ड ऑप्शन है सैंथल,
एंड लास्ट ऑप्शन इज भील। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा संथाल इज अ करेक्ट ऑप्शन। उसको एक जो संथाल था उसको एक खेल में विभाजित किया गया था, उस आदिवासी समाज को एक खेल में विभाजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, व्हाई डिड द जातीज एमर्ज विद इन वर्ना विच बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज इंडियन सोसाइटी। यानी कि वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। ऑप्शन आप सभी के सामने, फिर्स ऑपोजिशन अगेंस्ट वर्ना सिस्टम गेव वे टू डेवलपमेंट ऑफ जातीज। यानी कि वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। सेकेंड ऑप्शन है ड्यू टू ग्रेजुअल एक्सपेंशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स टू द पीपल विद न्यू स्किल सेट वर रिक्वायर्ड। यानी कि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों में संपन्न लोगों की जरूरत थी। थर्ड ऑप्शन है देयर आर अ प्रॉब्लम इन इंटीग्रेटिंग ट्राइबल्स पीपल इन टू वर्ण सिस्टम। यानी कि आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। एंड लास्ट वन इज जातीस एंड वर्णा आर वन एंड द सेम। यानी कि जाति और वर्ण समान है। ऑप्शन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि देयर आर अ प्रॉब्लम इन इंटीग्रेटिंग ट्राइबल पीपल इन टू वर्ण सिस्टम। यानी कि आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अ हिस्टोरिकल साइट इज अ प्ले वेयर। यानी कि ऐतिहासिक स्थल पर वह स्थान जहाँ पर, ऑप्शन है आप सभी के सामने, हिस्ट्री लविंग पीपल गैदर, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं। सेकंड ऑप्शन है हिस्ट्रियन राइट हिस्ट्री, इतिहास पर इतिहास लिखते हैं। थर्ड ऑप्शन है रिलिक्स ऑफ द पास्ट आर फाउंड, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। एंड लास्ट वन इज एक्सकवेशन एक्टिविटीज आर डन, यानी कि उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, रिलिक्स ऑफ द पास्ट आर फाउंड। यानी कि अतीत के स्मृति शेष या अवशेष कुछ भी हो सकता है वो मिलते हैं, उसे एक ऐतिहासिक स्थल माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, व्हाट इज कॉमन एरा। यानी कि कॉमन एरा क्या है। ऑप्शन है अ न्यू एरा टू स्टडी हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा है। सेकेंड है क्रिश्चियन एरा विच इज नाउ एक्सपेक्टेड इन मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया में अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। थर्ड ऑप्शन इज इंडियन एरा एक्सपेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इश्यूज नोटिस, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति भारतीय एरा। एंड लास्ट वन अ न्यू एरा डेवलपमेंट बाय एमेक्मेशन ऑफ हिंदू एरा एंड इस्लामिक एरा। हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के समीक्षण से विकसित हुआ एक नया एरा है। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जो एरा है, जो कॉमन एरा है, वो किस नाम से जाना जाता है, वो क्रिश्चियन एरा विच इज नाउ एक्सेप्टेड इन मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है उसे कॉमन एरा कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट इज नोन एज गैसियस प्लैनेट। यानी कि निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। ऑप्शन है आप सभी के सामने वीनस जुपिटर मार्स सैटर्न, सेकंड ऑप्शन है मार्स वीनस सैटर्न यूरेनस, थर्ड ऑप्शन है जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, एंड लास्ट वन ऑप्शन इज जुपिटर मार्स अर्थ एंड नेपच्यून। सो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि शुक्र बृहस्पति मंगल शनि, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, उसे गैसियस प्लैनेट माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इन अलाहाबाद इज सिचुएटेड ऑन 72°30′E लॉन्गिट्यूड, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम ऑफ अहमदाबाद इफ इट 8 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि यदि अहमदाबाद 72°30′E देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजे हैं, वो भी सुबह के। ऑप्शन है आप सभी के सामने सुबह के 8:40, सेकेंड ऑप्शन है 8 बजे, थर्ड ऑप्शन है 7:20 एंड लास्ट वन इज
7 बज रहे होंगे उस टाइम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि उसके अनुसार ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है गया है जो 72° 30' लॉन्गिट्यूड के अनुसार देशांतर परिस्थिति के अनुसार उस टाइम का जो हमारा समय होगा वो होगा हमारा सुबह 7 बजे, करेक्ट 7 बजकर हमारा टाइम होगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, हमारा पार्ट वन आज कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी रिमेनिंग टॉपिक विल विच विल बी रिलेटेड बाई स्पेशल कंटेंट ऑफ TGD BEd, यानी कि आपको मैं पहले बता देती हूँ कि इसका पार्ट टू लेकर आऊँगी मैं, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा एसेंशियल क्वेश्चन होंगे जो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इन वीडियोज़ को जितना हो सके शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और शेयर नहीं करोगे तो आप मुझे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए ताकि और लोगों को बेनिफिट मिले, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।